नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज से एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पेटीएम वॉलेट में ऐड कैसे कर सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए। यह क्रेडिट कार्ड के ऊपर दूसरा वीडियो था जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। सिर्फ वन वीक में ही इस पर 1000 से भी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, जो कि किसी भी नए चैनल के लिए काफ़ी बड़ी बात। सबसे पहले आप सबको इसके लिए थैंक यू। बात दरअसल यह है कि इस वीडियो में कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं जिन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा। इन्हीं में एक भाई हैं ऋषभ कुमार, जिन्होंने कमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, क्रेडिट कार्ड भी चार्ज करते हैं कुछ ? जिसे आप देख सकते हैं। फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया, हाँ भाई चार्ज करते हैं कुछ। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। उसके बाद भाई ने फिर कमेंट किया कि मतलब बैंक भी कुछ चार्ज लगाता है, जैसे पेट्रोल पंप पे लगता है ऐसा कुछ। अभी तक मैं समझ रहा था कि भाई क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज। उसके बाद मैंने उन्हें फिर रिप्लाई दिया कि बैंक का कोई चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज जो है वह क्रेडिट कार्ड कंपनी ही लगाता है। उसके बाद उन्होंने फिर कमेंट किया कि SBI के कार्ड से पेटीएम वॉलेट में मनी ऐड करने पे SBI चार्ज लेगा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि वह पूछना क्या चाहते थे। फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया, ओ अच्छा, डायरेक्ट ऐड करोगे तो लगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप जैसे जोमेटो, उबर, स्विगी से करने पर नहीं लगेगा, डोंट वरी। ऐसा कुछ फनी मोमेंट हो जाता है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि यह इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इवन आज का वीडियो भी इसी इंसिडेंट से प्रेरित है जिसमें हम क्रेडिट कार्ड के 10 हिडन चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। फर्स्ट है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। बहुत से क्रेडिट कार्ड में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, पर जब कभी कोई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है तो इसका मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी एक साल के लिए फ्री है, नेक्स्ट ईयर से आपको यह चार्जेज देना पड़ता है। कस्टमर को यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एक साल के लिए फ्री है या लाइफ टाइम के लिए। सेकेंड है इंटरेस्ट चार्ज। हर महीने जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसमें टोटल अमाउंट और मिनिमम ड्यू अमाउंट दोनों दिखता है, पर बहुत से लोग सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट ही भरते हैं और वे सोचते हैं कि बाकी का अमाउंट वे हर महीने धीरे धीरे भर देंगे, पर उन्हें यह पता नहीं होता है कि वह एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं जिसमें वह हर महीने 2-4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज पे करते रहते हैं। इसीलिए हमेशा टोटल अमाउंट ही पे करें। थर्ड है GST। क्रेडिट कार्ड के सभी ट्रांजेक्शन के साथ GST जुड़ा रहता है। फोर है लेट पेमेंट फी। ड्यू डेट से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट नहीं करने पर आपको लेट पेमेंट फी देना पड़ता है। फाइव है ओवर लिमिट फी। हर क्रेडिट कार्ड की कुछ लिमिट होती है और जब आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ओवर परचेजिंग करते हैं तो आपको ओवर लिमिट फी देना पड़ता है। सिक्स है फॉरेन ट्रांजेक्शन चार्ज, जो कि 3-4% तक का हो सकता है। सेवन है बैलेंस ट्रांसफ़र फी। जब एक क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। एट है ATM विड्रॉल चार्ज। क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश निकालते हैं तो आपको 2.5% का चार्ज एडवांस कैश के रूप में देना पड़ता है। उसके बाद 26-46% का चार्ज देना पड़ सकता है यदि विड्रॉल अमाउंट ड्यू होता है तो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड से कभी कैश नहीं निकालना चाहिए। 9 है लॉस कार्ड चार्ज। जब आपका क्रेडिट कार्ड लॉस हो जाता है तो उस समय नए क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। 10 है सरचार्ज। कुछ जगहों पर जैसे पेट्रोल पंप, रेलवे टिकट बुकिंग, इन जगहों पर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होता है। यह थे क्रेडिट कार्ड के 10 हिडन चार्जेज जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते समय देना पड़ सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।